आज मैं यू पैटर्न और मेरी बहन की फ्रेंड की शादी है तो मैं लगा दूँगी। अभी जाते हैं मेहंदी की दुकान में, फिर मिलते हैं आपसे गाइस। भैया ने बनाया है मेरा ये, भैया की दुकान में जो भी जाना है भैया ने लगाई है। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पर भंडारी अच्छे से निकाल क्योंकि अभी इसमें सॉल में लाने चलते I'm not afraid to die.
लोग यहाँ पर बाहर पे आ रहे थे और दुल्हन का हो रहा है फोटोशूट और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है गाइस। और इस ठंडे में भी मैं हाथ में उतरी हूँ देखो, क्योंकि शादी है यार, शादी में थोड़ा फैशन तो दिखाना ही हुआ। नारू जरा सो गाइस, नारू को देखो यार, इसने जैकेट पहनी है। कैसा लग रहा है आपका, आपकी दोस्त की शादी, कुछ कहना चाहोगे? जो बहुत रोना आ रहा है, रोना नहीं खुशी मनाओ, अभी कल रोना जब विदाई होगी, अभी खुशी खुशी उसको मोटिवेट करो। सो गाइस देखो नारू की ब्यूटी, चुप कर दो। पापा को जानते हो आप लोग? सब जानता हूँ आपके साथ। मेरे चंद्रू, अच्छा देखो भिवानी दोस्त, भिवानी मेरे पापा के भी दोस्त है, मैं देवराज की दीदी हूँ। दीपा बाजी की दोस्त हो और जल्दी बताओ। मैं नीरू की हूँ। उनकी दोस्त है, छोटी बहन सुनीता बाजी की, छोटी बहन दोस्त है नीरू बुआ की, और ये मेरे बड़े पापा की दोस्त है, और ये दीपा बाजी की दोस्त है। शादी में मुझे मिली है जया, और ये है नवराज की भांजी। और नवराज ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, गुगू तक की माला डाली थी नवराज जी ने इनको। तो नवराज जी आपके क्या लगते हैं? मामा। तो मामा की भांजी यहाँ मिल गई गाइस मुझे, देखो यहाँ पे तन्नू का चल रहा है फोटो शूट, काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी लहनिया देखो गाइस। और ये भैया लोग हैं वेडिंग फिल्म से, तो देहरादून क्या आपका वेडिंग फिल्म? द वेडिंग फिल्म। तो इंस्टाग्राम में भैया को फॉलो और लाइक जरूर करना। कितने फॉलोअर्स होंगे? मेरी छिल्ली है देखो, शादी में भी इसको चैन नहीं है, कहा तो मेरे को मोटिवेट करेगी, ऐसा बोले तेरा एक व्यू भी नहीं आता है। तो गाइस इस वाले व्यू में ना 1000 व्यू 10,000 व्यू आने चाहिए, क्योंकि तुलन ने मेरी गंदी वाली छिल दी है। ना मेहंदी का फंक्शन ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। तो आज मेरी बहन की फ्रेंड की शादी है, जो कि मेरी भी फ्रेंड ही है, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में पहले साथ ही रहते थे, तो उसने मुझे भी इनवाइट करा था, तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस उसकी शादी में आके। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान बहुत ही खास है। तो बाय बाय।